जी सर स्टार्ट करें। ओके जी, थैंक यू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इट्स योर सेकेंड लेक्चर विद मी आई सपोज। माई नेम इज डॉक्टर ताहिर इब्राहिम and today we will be discussing with you the investigations which are carried out in a patient of CNS disease. I hope you all can hear me. Huh? Meri awaaz aa rahi hai aap logon ko? Second year? Yes sir, aa rahi hai. Okay. Okay ji, okay. चले, सो एंड कैन यू सी माय स्क्रीन आल्सो? स्क्रीन अभी तक शेयर नहीं हुई ये आप देखें, मैंने स्क्रीन शेयर कर ली है। मैं सर आ रहा हूँ। सॉरी, हो गई हो गई हो गई जी, हो गई हो गई। अच्छा जी, राइट। सो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। आप लोगों ने अभी तक CNS की फिजियोलॉजी एनाटॉमी पढ़ी है या उसके अलावा कुछ और भी पढ़ा है? जी सेकंड ईयर CNS की फिजियोलॉजी एनाटॉमी एम्ब्रियोलॉजी वगैरह पढ़ लिया आप लोगों ने? जी, कैन एनीवन आंसर मी? ऑलराइट ऑलराइट। सो CNS की जो डिजीजेस हैं वो बहुत मल्टीपल और वास्ट किस्म की डिजीजेस हैं, और इन्वेस्टिगेशंस भी इसी हिसाब से बहुत सारी हैं, लेकिन हमने कोशिश की है कि आपको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दें हर डिजीज के बारे में, डिजीज की इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि कैसे आपने उसको कैरी ऑन करना है। सो वैल्यूएटिंग एंड डायग्नोजिंग द डैमेज टू द नर्वस सिस्टम इज कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स। आपको पता है CNS जो है ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का सिस्टम है। इसमें डिफरेंट न्यूक्लियाई हैं, फिर आपका डिफरेंट पार्ट्स हैं ब्रेन के, एंड इट इज द हाईली 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 स्पेशलाइज्ड थिंग विच ह्यूमन बॉडी कैरीज आउट। जितनी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड किस्म की फंक्शनिंग CNS में है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी बॉडी के ऑर्गन में उस तरह की फंक्शनिंग, इसीलिए ये इसकी जो असेसमेंट है वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसी तरह ये है कि ये किस लिए इतना मुश्किल होता है इसको असेस करना, क्योंकि जो सिम्टम्स हैं जो डिफरेंट डिसऑर्डर्स में वो एक ही तरह के हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एपिलेप्सी जो है वो इट कैन अकर, एपिलेप्सी हम कहते हैं फिट्स को, और फिट्स जो है वो ब्रेन के किसी भी पार्ट, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसके किसी भी पार्ट में, मोटर कॉर्टेक्स में या सेंसरी कॉर्टेक्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो फिट्स पड़ सकते हैं, ठीक है। डायग्नोजिंग द डिसऑर्डर्स which do not have the definitive cause marker or the test, it is another challenge. So aise disorders jinke koi definitive causes nahi hai, jinke koi definitive markers nahi hai ya test nahi hai, unko diagnose karna baaz dafa aapko padta hai CNS mein. So isliye it's not a simple job, ye aap zehen mein rakhein. Acha, ab hame pata hai ki jab bhi hum kisi cheez ki diagnosis karte hain तो इससे हम स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट विद अ हिस्ट्री, ठीक है। तो CNS की हिस्ट्री लेते हैं, उसमें बहुत सारी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं जो आपने, आपको मैंने लास्ट टाइम पढ़ाई थी। सो और इसी तरह फिजिकल एग्जामिनेशन, CNS का जो फिजिकल एग्जामिनेशन है वो बहुत लेंथी एंड इट्स क्वाइट क्वाइट लॉन्ग सब्जेक्ट।
लेकिन मोटी मोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि मोटर सिस्टम MRCP याद रखें आप. MRCP, M इज फॉर मोटर सिस्टम, ठीक है. M इज अगेन फॉर साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन. सेकंड M इज फॉर मेनिंजियल इरिटेशन. देन R इज फॉर रिफ्लेक्सेस. C इज फॉर सेरिबेलम. एंड P इज फॉर पार्किंसनिज्म या जो एक्स्ट्रा पिरामिडल जो सिस्टम है उसकी असेसमेंट. इसी तरह सेंसरी सिस्टम जो है वो भी आपने इसमें चेक करना होता है, ठीक है. सो इट्स अ कंप्लीट टॉपिक. सो जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कर लेते हैं तो आप एक प्रोविजनल डायग्नोसिस पे पहुंच जाते हैं, ठीक है. प्रोविजनल डायग्नोसिस जो होती है उसको फिर आप चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन इन्वेस्टिगेशंस और कंफर्म करते हैं. सो दीज आर द इन्वेस्टिगेशंस जो कि आपको बताती हैं कि आपकी जो फाइनल डायग्नोसिस जो है वो क्या है, ठीक है जी. सो आज हम वो वाली इन्वेस्टिगेशंस जो हैं उनको हमने डिस्कस करना. सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो कॉमन चीज़ है CNS में वो है CAT स्कैन या CT स्कैन, ठीक है जी. आपने हमेशा सुना होगा कि किसी पेशेंट को फिट्स पड़ गया, इसका CT स्कैन करवा लें. किसी को ब्रेन ट्यूमर सस्पेक्ट कर रहे हैं, CT स्कैन करवा लें, ठीक है. किसी को फॉलिश का अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया, CT स्कैन करवा लें. सो एक्चुअली है क्या CT स्कैन? CT स्कैन बेसिकली ये इट यूटिलाइजेज द एक्सरेज एंड द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. दो चीज़ें हैं, एक इसमें एक्सरेज होती हैं और दूसरी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है. इसको इस्तेमाल करते हुए आप हॉरिजॉन्टल यानी कि ऐसे, एक्सियल यानी कि ऐसे इमेजेस ऑफ द बॉडी, यानी कि आप इसके इसे कहते हैं आप हॉरिजॉन्टल सेक्शन और इसे एक्सियल सेक्शन. सो आप डिफरेंट लेवल्स पे जो है वो असेस करते हैं. इट्स बेसिकली अ स्ट्रक्चरल टेस्ट. ये स्ट्रक्चर जो है वो आपके CNS का स्ट्रक्चर को शो करता है, ठीक है जी. और इट शोज द डिटेल इमेजेस ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं CNS की, और सो इसलिए हमें CNS के पॉइंट ऑफ व्यू. अब क्या होता है CT स्कैन, कंप्यूटेड जो है टोमोग्राफी, इसको कहते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी. C इज फॉर कंप्यूटेड एंड T इज फॉर टोमोग्राफी. Computed mean के we use the computer, ठीक है. Tomography, what does that mean? What is the meaning of tomography? Mean tomo means slice. आपने देखा होगा आपने अगर कोई CT scan देखा हो तो उसमें first वाला जो section है उसमें different lines लगी होती हैं, slices हुए थे. इसका मतलब है कि brain को आप slices की शक्ल में examine करते हैं, ठीक है जी. सो एंड ग्राफी मीन्स टू राइट. इसका मतलब है कि ब्रेन के स्लाइसेस को कंप्यूटर पे लिखना, ठीक है. लिखने से मुराद ये है कि उसके स्लाइसेस को देखना, ठीक है. सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग अ टू डायमेंशनल इमेज ऑफ अ स्लाइस. एक स्लाइस का आप टू डायमेंशन या थ्री डायमेंशन इमेज जो है वो आप असेस कर सकते हैं. सो इट एग्जामिन दी एक्सरेज एंड द कंप्यूटर टू ऑब्टेन दी क्रॉस सेक्शनल इमेज ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ठीक है. सो ये CT स्कैन का मकसद है. और ये CT स्कैन की मशीन है. ये अगर आप देखें ये एक टेबल है, इस पे पेशेंट को लिटाते हैं और जो भी पार्ट उसका एग्जामिन करना हो उसको इस ये जो हॉलो सा आपको नजर आ रहा है इसके बिल्कुल नीचे ले आते हैं, ठीक है. अगर आपने ब्रेन करना है तो आप पेशेंट इधर लेटा हुआ है, इसकी टांगे यहाँ पर हैं, तो आप उसका ब्रेन जो है वो इस वाले दायरे में ले आते हैं और ऊपर से एक्सरेज आ रही होती हैं और नीचे ये कंप्यूटर के अंदर ये जो सेक्शंस हैं ये जनरेट हो रहे होते हैं या उसके स्लाइसेस जनरेट हो रहे होते हैं, ठीक है. तो दिस इज दी. और इसी तरह अगर आपने एब्डोमिन करना है तो इस मशीन को आप फर्दर रोल करते हैं, पेशेंट का जो एब्डोमिन है इस दायरे में ले आते हैं और उसके स्लाइसेस चेक करते हैं, ठीक है. सो दिस इज द CT स्कैन मशीन.
एन इमेज टेक्निक ऑफ द ब्रेन दैट रिवील्स द ट्यूमर। अब ये इंडिकेशंस हैं कि अगर आप किसी पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर सस्पेक्ट कर रहे हैं, ये आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं ब्रेन के अंदर, उसकी आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, तो उनके अंदर कोई क्लॉट अगर आ गया है, या अगर उनके अंदर कोई हेमरेज हो गया है, ठीक है, या कोई और एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटी, फॉर एग्जांपल कोई वेस्कुलर मेल फॉर्मेशन है, कोई एवी मेल फॉर्मेशन है, ये आपने देखनी है, या कोई सिस्ट है वो आपने देखनी है, जितनी भी आपकी जो डिफरेंट स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज हैं वो आपका सीटी स्कैन आपको दिखा देता है। और ये वेरियस लेवल पे सेक्शन लिए जाते हैं, ठीक है ना जी। सीटी इमेजेस ऑफ द ब्रेन एट वेरियस लेवल्स आर टेकन टू रिवील नॉर्मल एनाटॉमी और एबनॉर्मेलिटी। आप ऐसे स्टार्ट करते हैं कि ब्रेन के टॉप से या बॉटम से आप स्लाइस लेना, ऐसे 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 स्लाइसेस लेते हैं आप, ये मैं आगे आपको दिखाऊंगा, सो दैट ये लेवल्स हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल तो इधर आपका ये सेरिबेलम है, फिर ये पैराइटल लोब है, ये फ्रंटल लोब है, ये ऑक्सीपिटल, ये पैराइटल लोब। सो डिफरेंट लेवल्स पे आपको सेक्शन मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाली जो स्लाइड है, ये शो करिए कि इस लेवल पे हमने ब्रेन का जब स्लाइस लिया है तो ये पिक्चर हमारे पास आई है। और अब इसमें अगर आप देखें तो ये आपकी जो स्किन है, ये वाइट वाइट जो है, ये क्रेनियम है आपकी, ठीक है, और ये अंदर सारा का सारा ब्रेन मैटर है, जिसके के सल्काई और गायराई आपको नजर आ रहे हैं। वाइट मैटर, वाइट वाला वाइट मैटर है, और ग्रे वाला ग्रे मैटर है, इसी की बेस पे आप वाइट और ग्रे मैटर कहते हैं। ये अंदर जो है इसकी CSF स्पेसेस है, ये जो इंटीरियर हॉर्न है, फिर इसी तरह पोस्टीरियर हॉर्न है, ये डिफरेंट एंगल्स पे या डिफरेंट लेवल्स पे आपको डिफरेंट चीजें नजर आती हैं। सो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए कि सीटी स्कैन होता क्या है, ठीक है जी। जैसे मैंने बताया कि हेड इंजरी अगर हो जाए, क्रेनियोफेशियल ट्रॉमा है, तो हेड इंजरी केसेस में आप सीटी स्कैन करवाते हैं और इसमें देखते हैं कि ब्रेन को कोई कंट्यूजन तो नहीं है, कोई डैमेज तो नहीं है। इस तरह अगर पेशेंट को फॉलेज का अटैक हो जाए, जिसको कि हम स्ट्रोक कहते हैं, तो फिर भी आप सीटी स्कैन करवाते हैं। और इसमें पर्पज क्या होता है, इसमें पर्पज ये होता है क्योंकि ब्रेन का अगर एक पार्ट फंक्शन करना बंद कर दे, so it can be mainly because of two reasons, ठीक है, either there is a infarction of the brain or there is a bleed in that area, the most common causes यही हैं, बाकी फिर tumor भी हो सकता है, कोई AV malformation भी हो सकती है, and so on and so forth. So आप देखने के लिए कि अंदर को bleeding हुई है या कोई clot फंसा हुआ है, क्योंकि इन दोनों का जो treatment है, ब्लीड का और इन्फार्क्ट का, वो एक दूसरे से बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट है। यानी कि अगर ब्लीडिंग हुई भी है तो आपने कंजर्वेटिवली मैनेज करना है, या समटाइम आप न्यूरोसर्जरी के जरिए जाके उस जो ब्लीडिंग पॉइंट है उसको आप बंद करते हैं, ठीक है। जबकि अगर क्लॉट है तो आप ऐसी दवाइयां देते हैं कि वो क्लॉट जो है वो डिजॉल्व हो जाए और पेशेंट एट द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग होता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रोक वाले पेशेंट में आप सीटी स्कैन करें और फिर उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फिर उसके बाद शुरू होता है। जनरल ट्रीटमेंट तो आप पहले करते रहते हैं। इंट्राक्रेनियल हेमरेज जो है, अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, ये स्ट्रोक में इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज होता है। और अगर इंट्राक्रेनियल आपकी कोई सब ड्यूरल, आपको पता है ना जो ब्रेन की कितनी कितनी लेयर्स होती हैं जी, मेनिंजीज की कितनी लेयर होती हैं जी, एनीवन, how many layer of the meninges are there? teen ji gohar kon kon si hoti hain zara bataye gohar javed teen layers kon kon si hoti hain anyone pad ka formula yaad rakhe yes paya arachnoid and dura So, अगर इनके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी है, कोई ट्यूमर है, या कोई कोई ब्लीड हो गई है इनके नीचे, फॉरन कोई ब्लड वेसल ऐसी है जो कि ब्लीड कर गई है और इन मेनिंजीज के नीचे ब्लड जमा हो गया है, तो वो भी आप सीटी स्कैन से। इस तरह हेडेक की एवेल्यूएशन में, हेडेक की बहुत सारी कॉजेज हैं कॉमन, लेकिन कुछ कॉजेज ऐसी हैं जो कि ब्रेन से रिलेटेड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल
किसी को अगर ब्रेन ट्यूमर है या किसी को अगर इंट्राक्रैनियल सब रेकनाइड हेमरेज है, सो दीज आर द कॉजेज ऑफ हेडेक. सो इसमें भी आपको सीटी स्कैन करवाना होता है. और फिर सीटी स्कैन और क्या बताता है कि कोई एबनॉर्मल डिवेलपमेंट ऑफ द हेड एंड नेक, यानी कि कोई आपकी वेस्कुलर एवी मैलफॉर्मेशन है, कोई आपका कोई ऐसा एबनॉर्मल स्ट्रक्चर डिवेलप हो गया है ड्यूरिंग दी एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेस, तो वो भी आप असेस कर सकते हैं. इसी तरह फिर ट्यूमर्स, जो ब्रेन ट्यूमर्स हैं या मेनिंजीज के ट्यूमर हैं, और ये वो आप असेस करते हैं, क्लॉट्स, इनको आप देख लें. सो दिस इज हाउ द ब्रेन लुक्स लाइक इन अ सीटी स्कैन. नाउ द नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज ईईजी. व्हाट डज इट सिग्निफाई? It's a procedure that records the brain's continuous electrical activity through the electrodes attached to the scalp. आपको पता है कि हमारा जो ब्रेन है इसके अंदर इसका यूनिट क्या होता है? What is the functional unit of the brain? What is the functional unit of the brain? हाँ जी, न्यूरॉन. एक्सीलेंट मोमिना जी. मोमिना, थैंक यू वेरी मच. सो न्यूरॉन्स जो हैं उनका उनकी फिजियोलॉजी क्या है? न्यूरॉन्स जो हैं उनकी एक बॉडी होती है और फिर उसका एक एग्जॉन होता है, फिर उसकी जो है वो टर्मिनल होते हैं जिसके साथ वो दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट करते हैं. सो क्या चीज़ है जो कि फंक्शन, मसलन अगर आपकी आपके मसल ने किसी ने मूव करना है, सो वट इज़ दी प्रोसेस विच विल मेक दैट मसल मूव? What is generated? Anyone? क्या चीज जनरेट होती है और वो आगे पास ऑन होती है और फिर मसल मूव करता है? इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जो हैं, जैसे कि आपकी जो हार्ट का कंडक्शन सिस्टम है उसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस होती हैं, इसी तरह इधर भी आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है. सो इन इलेक्ट्रिकल एक्टिव और हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, अब वो आप ईसीजी के जरिए डिटेक्ट करते हैं, जो आप चेस्ट पे इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं. तो यहाँ पर आप ब्रेन के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं और जो ब्रेन की सरफेस है उसके अंदर जो करंट जनरेट हो रहा है उसको आप स्टडी कर सकते हैं. इलेक्ट्रोएनकेफलोग्राफी कहते हैं इसको. और इस टेस्ट के दौरान स्मॉल इलेक्ट्रोड्स which are like the cups or the disc, they are placed over the scalp. पहले वो scalp shape करते हैं पूरी, ताकि जो contact है scalp के साथ उन electrodes का वो maximum हो जाए, और फिर उसके बाद वो patient को एक ऐसा mask पहना देते हैं. ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक ऐसा वो पहना देते हैं जिसके ऊपर ये different आप देख रहे हैं disc shape electrodes लगे हुए हैं, जैसे कि ECG के electrodes होते हैं ना, इसी तरह ये वाले सारे ये तारें जा रही हैं. सो इसकी मदद से आप जो है वो पेशेंट की ईईजी जो है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं. सो ये इलेक्ट्रोड्स दे पिक अप द ब्रेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड सेंड देम टू अ मशीन व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रो एनकेफेलोग्राम. और ये आपकी मशीन है, ओल्ड जनरेशन इसकी ये वाली थी. ये इसके जो बंदा है जिसने सबसे पहले ये डिस्कवर किया था, एंड दिस इज़ दी मशीन, ओल्ड मशीन. और ये नीचे वेव्स डिफरेंट नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है. एंड दिस इज़ दी न्यूएस्ट मशीन, करंट जनरेशन, जिसमें कि वो पेशेंट को आप ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सामने नज़र आ रही है इस कंप्यूटर में. एंड इट इज़ सॉर्ट ऑफ जस्ट लाइक द ECG. अच्छा, सिग्नल्स जो हैं वो एज ए वेवी लाइन्स ये डिटेक्ट करता है, और कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं या पेपर्स पे आते हैं. और माइक्रो वोल्ट, वोल्ट जो है ये करंट का यूनिट है. सो माइक्रो वोल्ट में ये करंट होता है, बहुत ही माइन्यूट किस्म का होता है. और ये जो ECG की वेव्स हैं, जो सिग्नल्स हैं ये वेव्स की शक्ल में, ये आपको डिटेक्ट होते हैं. और इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ये होती है कि ये एक मिनट के अंदर कितनी या एक सेकेंड के अंदर कितनी वेव्स आपको मिलेंगी. सो 0.1 से लेकर 100 तक इसकी फ्रीक्वेंसी होती है,
डिफरेंट वेव्स की डिफरेंट एरियाज में, डिपेंडिंग अपॉन के वो एरिया जो है वो कितना फंक्शन कर रहा है या कितना उसकी एक्टिविटी क्या है. इसी तरह एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड होती है लेंथ यानी कि हाइट. एम्पलीट्यूड एक वेव जो है उसकी हाइट इतनी है, एक की इतनी है, एक बहुत ऊंची वेव है, ठीक है ना. सो दिस इज द एम्पलीट्यूड. सो इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो नॉर्मल जो आपकी वेव्स हैं 200 माइक्रोवोल्ट इसका यानी करंट जनरेट हो सकता है. ये अब आप देखेंगे ये जो मैंने आपको डायग्राम जो पिक्चर दिखाई थी उसमें ये पेशेंट की इस तरीके से आप लगाते हैं. ये जो हैं ये जो ये रेड वाले दिस इज़ दी राइट हेमिस्फीयर, जो ग्रे वाला है दिस इज़ दी लेफ्ट हेमिस्फीयर. ये देखें आप, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है, ठीक है. मिड लाइन जो है उसको ब्लैक से शो किया हुआ है. एफ जो है दिस इज फॉर द फ्रंटल लोब, ये आपके फ्रंटल है, ये फ्रंटल फ्रंटल, ठीक है. इसी तरह टी इज फॉर टेम्पोरल लोब्स, ये टेम्पोरल लोब टी, ये भी टेम्पोरल है, ये ठीक है आपको नजर आ रहे हैं. इस साइड पर ये टी है. सो दिस इज दी, दिस इज दी, जैसे आप ECG के इलेक्ट्रोड लगाते हैं ना, इसी तरह ब्रेन के ऊपर भी आप उसके डिफरेंट लोब्स के हिसाब से इलेक्ट्रोड लगाते हैं. सो ये इलेक्ट्रोड हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल. अब फ्रंटल लोब का काम क्या होता है, फ्रंटल लोब यूजुअली आपके इमोशन को कंट्रोल करता है और मोटर कंट्रोल, जितनी भी आपकी मूवमेंट होती है बॉडी में वो और इमोशनल, ये दो चीज़ें हैं मेजर जो फ्रंटल लोब का काम है. पैराइटल लोब में सेंसरी जो सेंसेशंस हैं, पेन, टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, डिफरेंट जो सेंसेशंस हैं वो पैराइटल लोब में इंटरप्रेट होती हैं. इसी तरह टेम्पोरल लोब जो है वो मेनली आपकी हियरिंग के साथ या साउंड के साथ उसका ताल्लुक होता है. जबकि ऑक्सीपिटल लोब का जो मेन काम है वो विजन या सी है और आईज है. सो दीज आर दी डिफरेंट लोब्स विच वी असेस इन EEG. आप लोगों को समझ आ रहा है जैसे मैं बता रहा हूँ, कोई चीज़ मुश्किल तो नहीं ना पता हो रही है. बिकॉज आपके लेवल पे आके मतलब मेडिसिन थोड़ा सा ये है कि ज़रा सिंप्लीफाई करें. तो आर यू विद मी एवरीवन, समझ आ रही है आप लोगों को? ओके. सिर्फ गोहर और मोमिना मैं देख रहा हूँ कि एक्टिव हैं, बाकी लोग किधर हैं, सो तो नहीं रहे हैं? सब लोग मौजूद हैं? चलें देखते हैं. अच्छा, ये आपका एक जो है वो ये आपका एक इलेक्ट्रोएनकेफलोग्राम है. इसमें अगर आप देखें तो ये इस एक्सिस पे जो है वो एम्पलीट्यूड है यानी कि कितनी हाइट है वेव की, और इस पर जो है उसका वो फ्रीक्वेंसी है कि एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स आ रही हैं, दो सेकंड में. सो अगर आप इसको ऐसे देखें तो ये चार किस्म की वेव्स होती हैं. बीटा वेव्स होती हैं, आप देखेंगे बहुत ही फास्ट वेव हैं ये, एक सेकंड के अंदर आपको ऑलमोस्ट कोई 15-20 वेव्स नज़र आ रही होंगी, ये वाइब्रेशंस हो गई हैं. इस तरह अल्फा वेव जो हैं वो उससे ज़रा स्लो होती हैं और इनका एम्पलीट्यूड भी बीटा के मुकाबले में ज़्यादा होता है. थीटा वेव जो है इनका एम्पलीट्यूड वेरिएबल होता है और इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो भी डिफरेंट है. जबकि डेल्टा वेव जो हैं बहुत स्लो है, स्लो वेव होती हैं, उनका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है. एक सेकेंड में आपको ऑलमोस्ट एक दो तीन वेव्स आपको इधर जो है वो डिटेक्ट हुई है. सो दिस इज हाउ अ नॉर्मल इलेक्ट्रोएनकेफलोग्राम लुक्स लाइक. अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ईईजी जो है ये एपिलेप्सी, आपको पता है एपिलेप्सी में क्या होता है, व्हाट हैपेंस कि एपिलेप्सी में एक तो ये है कि आपका जो हाथ है उसने फर्ज करें कोई चीज उठानी है और वो जाके उसको पकड़ता है फिर वापस आएगा, ये वॉलंटरी मूवमेंट है. एपिलेप्सी में क्या होता है कि रिपीटेटिवली एसिंक्रोनस स्टिमुलेशंस होती हैं
ब्रेन का एक पार्ट, एक फोकस, फॉर एग्जांपल किसी को हेड इंजरी हुई, ब्रेन का जो फॉर एग्जांपल फ्रंटल लोब है उसको डैमेज हुआ, वहां पर स्कार बन गया। अब वो जो एरिया है वो एक तरह से स्कार्ड एरिया ब्रेन का, और नॉर्मल जो ब्रेन है उसमें एक खास टाइम पर स्टिमुलेशंस होती हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, लेकिन ये वाला जो एरिया है इसमें कोई पता नहीं किसी वक्त ऑटोमेटिकली ये डिस्चार्ज करना शुरू कर दे हैवीली। तो जब वो बहुत ज़्यादा डिस्चार्जेस करेगा तो वो पार्ट जिसको वो सप्लाई कर रहा है उसकी जर्की मूवमेंट शुरू हो जाएगी ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। सो दिस इज एपिलेप्सी। सो अब वो जो एपिलेप्सी है इसमें आप ईजी इसलिए करते हैं कि आप देख लेते हैं कि आपका जो फ्रंटल लोब है, ये हमने बताया था कि जी ये फ्रंटल लोब है, ठीक है ना, और ये यहाँ पर आपने जो लगाए हुए हैं वहाँ पर आप देखते हैं कि जो नॉर्मल आपकी जो वेव्स हैं वो एक राइट वाले फ्रंटल लोब में नॉर्मल वेव आती हैं तो लेफ्ट वाले में एबनॉर्मल वेव शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू डिटेक्ट दी एपिलेप्सी। अच्छा, फिर ब्रेन डेथ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका फॉर एग्जांपल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, पेशेंट कोमा में चला गया, ब्रीदिंग उसकी जो है वो स्पॉन्टेनियस आ रही है, या इवन उसको वेंटिलेटर पे आपने डाला हुआ है, आर्टिफिशियली ब्रीथ दे कर रहे हैं आपने, उसका हार्ट जो है वो भी चल रहा है लेकिन आपको पता नहीं है कि ब्रेन डेड है या नहीं है, ठीक है। जैसे ईसीजी होती है ना तो ईसीजी की लाइन फ्लैट हो जाती है, इसी तरह ईईजी जो है उसमें आपको फ्लैट लाइंस नजर आ जाएंगी अगर ब्रेन डेथ हुई है, ठीक है ना। सो जस्ट टू कंफर्म द ब्रेन डेथ, ईईजी इज परफॉर्म। फिर इसी तरह वेरियस ब्रेन कैंसर्स जो है, ब्रेन का जो पार्ट है जहाँ पर जो ट्यूमर है वहाँ पर आपको एबनॉर्मल वेव्स नज़र आ जाएंगी, सही है। इसी तरह स्लीप डिसऑर्डर्स या इंसोमिया में बॉडी का ब्रेन का वो वाला पार्ट जो स्लीप से रिलेटेड है उसमें आप यू कैन डिटेक्ट दी एबनॉर्मल वेव्स। नार्कोलेप्सी ये होती है कि बंदा जो है वो इट इज़ अपोजिट टू इंसोमिया, यानी कि बंदा हर वक्त सोया रहता है, नार्कोलेप्सी कहते हैं उसको, ठीक है, अनकंट्रोलेबल स्लीप। फिर स्लीप पैरालिसिस का क्या मतलब है, इनएबिलिटी टू मूव ड्यूरिंग फुल कॉन्शियसनेस, इसको कहते हैं कि आप जो है वो कॉन्शियस हैं लेकिन मूव नहीं कर रहे हैं, इसे कहते हैं स्लीप पैरालिसिस, सही है। तो इसमें भी आप देख लेते हैं कि पेशेंट की जो ईजी है उसमें कोई फाइंडिंग तो नहीं है। इसी तरह क्रॉनिक हाइपरसोमनिया, अगर बहुत ज़्यादा स्लीप आ रही है किसी को या स्लीप बहुत ज़्यादा हर वक्त सोया रहता है तो उसमें भी आप उसकी ये ईजी स्टडीज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या एमआरआई, ये आपने सुना हो। इसमें क्या करते हैं कि इट्स अ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर एंड इट यूजेस द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज मैग्नेट्स। सीटी स्कैन में हम क्या यूज करते थे, एक्सरेज यूज करते थे और सीटी स्कैन कंप्यूटर यूज करते थे। अब यहाँ पर क्या क्या यूज हो रहा है, यहाँ पर मैग्नेट्स, बहुत बड़े बड़े मैग्नेट्स यूज करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसीज यूज करते हैं डिफरेंट, और कंप्यूटर यूज करते हैं। ये तीन चीजें यूज, मैग्नेट, रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड कंप्यूटर टू प्रोड्यूस द डिटेल्ड इमेज ऑफ द ऑर्गन एंड द स्ट्रक्चर्स विद इन द बॉडी। सो इसमें क्या होता है कि इसमें आप रेडियो वेव्स यूज करते हैं, ठीक है, और रेडियो वेव्स क्या होती हैं, साउंड वेव्स होती हैं, ठीक, मैग्नेटिज्म, साउंड वेव्स और कंप्यूटर। और इसका जो प्रिंसिपल है वो है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, NMR कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें ये होता है कि जब भी आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड में कोई चीज़ आती है तो साउंड वेव जो हैं वो उसको उसके साथ टकराती हैं तो वो एक इमेज प्रोड्यूस करती हैं और वो इमेज हमें एक्सरे फिल्म पे नज़र आता है, ठीक है, MRI कहते हैं। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसा होता है MRI। और ये सबसे पहले 1997 में it was first used to examine the human being in 1997. So MRI is not a very old technique, just 23 years back it started. Advantages क्या होते हैं इसके, कि आपको पता है एक्सरेज जो हैं ये आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं, ये हार्मफुल होती हैं तो सीटी स्कैन में अगर किसी का बार बार सीटी स्कैन कर रहे हैं आप तो ऐसे पेशेंट्स को they can have bad effects of ionizing radiation. Can anyone tell me what are the bad effects of ionizing radiation?
कोई बंदा बता सकता है आयनाइजिंग रेडिएशन के बैड इफेक्ट्स क्या होते हैं हमारी बॉडी पे? नो आइडिया जी. यस वेरी गुड. कैंसर, इट कैन प्रोड्यूस द कैंसर. जितने भी आपके फास्टली ग्रोइंग सेल्स हैं जिसमें के आपके ओवरी के सेल्स हैं, टेस्टिस के सेल्स हैं, आपके हेमोपोएटिक सेल्स हैं, दे आर फास्टली ग्रोइंग, दे आर प्रोड्यूसिंग एवरी मिनट, दे आर रिप्रोड्यूसिंग. सो इन पे सबसे ज़्यादा आयनाइजिंग रेडिएशन इफेक्ट करती है और कैंसर प्रोड्यूस करती है. वेरी गुड. तो सीटी स्कैन में आप आयनाइजिंग रेडिएशन दे रहे होते हैं जबकि एमआरआई में कोई इस तरह की रेडिएशन आप यूज नहीं कर रहे होते हैं. अच्छा, अ वेरिएबल थिकनेस इन एनी प्लेन. अगर आपको एक चीज जो है वो ज्यादा मोटी है या ज्यादा पतली है तो सीटी स्कैन में थोड़ा सा उसके जो है वो इतनी डिटेल पता नहीं चलती. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्रेन के जो डीपर पार्ट्स हैं वहां पर छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स हैं वो सीटी स्कैन में इतने ज्यादा अच्छे नजर नहीं आते. एमआरआई में कंट्रास्ट रेजोल्यूशन उनकी ज्यादा होती है और सीटी स्कैन में आप चीजों को प्रोमिनेंट करने के लिए आईवी कंट्रास्ट देते हैं जबकि एमआरआई में इवन विदाउट कंट्रास्ट भी आपको फाइन डिटेल्स पता चल जाती है. ठीक है, दिस इज द एडवांटेज. और लिमिटेशंस क्या हो सकते हैं? हु कैन नॉट हैव एमआरआई? आपको पता है कि मैग्नेटिक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. सो एनीवन हु हैज गॉट एनी मेटालिक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ द कार्डिक पेसमेकर और कुछ लोग जो होते हैं उनके ब्रेन के ऑपरेशंस होते हैं जिसके अंदर वो मेटालिक क्लिप्स लगा देते हैं. अगर किसी की कोई आर्टरी जो है वो ब्लीड कर गई है तो अंदर जाके वो छोटा सा एक क्लिप लगा देते हैं, वो मेटालिक होता है. सो इसी तरह कॉकलियर इम्प्लांट, जिन लोगों को सुनाई नहीं देता सही तरह, उनका कॉकलिया ख़राब होता है, उधर आप मेटालिक कॉकलियर इम्प्लांट्स लगा देते हैं. सो इसी तरह मेटालिक फॉरेन बॉडी जो है आँख में कोई, या फिर हार्ट के वेल्व्स हैं अगर माइट्रल वेल्व, एओर्टिक वेल्व, पल्मोनरी वेल्व, ये भी मेटालिक वेल्व्स होते हैं, ये लगे हुए हैं किसी को, तो उसमें आप ये वाली टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड विल पुल देम आउट एंड यू कैन प्ले मेस विद योर पेशेंट. इसी तरह जो प्रेगनेंसी वाले पेशेंट्स हैं, प्रेगनेंट लोग, उनको भी, फीमेल्स हैं, उनको भी आप एमआरआई नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज द ईएमजी एंड एनसीवी, या इसको एनसीएस भी कहते हैं, नर्व कंडक्शन स्टडीज या नर्व कंडक्शन वेलोसिटीज. ईएमजी, एनसीएस, ईएमजी, एनसीवी, दिस इज अनदर टेस्ट which we do in a patient of CNS diseases. ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें we evaluate the disorders of the muscles, electromyograph, nerve conduction. So muscle जो है उनके अंदर भी current चल रहा होता है, पता है ना आपको, neuromuscular junctions और so वो वाले current को ये detect करते हैं EMG जो है. Electrodes are inserted into the muscle. बहुत बारीक बारीक needles होती हैं, वो आप muscles के अंदर थोड़ा सा डालते हैं और वहाँ पर आप उसका current detect कर लेते हैं. ठीक है जी, या वो आप muscle के अंदर डालते हैं या skin में डाल देते हैं जो कि muscle के ऊपर है और वो फिर electrical activity को record कर लेती है. This is the EMG. They are done usually together. ठीक है, muscles और nerves को इकट्ठा हम study करते हैं. EMG, NCS इकट्ठी ही होती हैं. So NCS जो है it provides the information regarding the nerves. Nerves के अंदर भी आपको पता है electrical current जो है वो run कर रहा होता है, तो वो current आप detect करते हैं, देखते हैं कि इस nerve के अंदर fast current conducting fibers हैं या slow हैं या nerve damage है क्या है. So this is how you perform the test. ये आप देखें कि NCS हो रही है इस patient की, आपने ये एक NCS machine है और ये जो है ये एक amplitude wave का है जो कि sensory nerve का action potential ये detect कर रही है. ठीक है, तो यहाँ पर एक nerve है इस side पर जो कि action potential detector. This is how you perform the nerve conduction study.
और इलेक्ट्रोमायोग्राफी जो है ये जैसे मैंने बताया था, नीडल डालते हैं, मसल के अंदर डाल देते हैं या फिर स्किन के अंदर डालते हैं और आपको उसकी मसल की एक्टिविटी पता चल जाती है। अब इसके प्रैक्टिकल यूजेस क्या क्या है, किसी पेशेंट को अगर नमनेस है, नमनेस का मतलब होता है कि उसका कोई पार्ट जो है वो सुन्न है, तो आप देखना चाह रहे हैं कि वहाँ पर जो नर्व्स हैं वो कहीं डैमेज तो नहीं है उसकी सेंसरी नर्व, देयर यू कैरी आउट दी नर्व कंडक्शन स्टडी। इसी तरह टिंगलिंग सेंसेशन, पैरेस्थीजिया, उसको सुइयाँ चुभ रही हैं, ठीक है, तो फिर भी आप देखते हैं, दीज आर ऑल दी एबनॉर्मल सेंसेशन, नमनेस एंड पैरेस्थीजिया। इस तरह क्रॉनिक पेन अगर किसी जगह पर है, सो यू परफॉर्म दिस टेस्ट। वीकनेस, मसल्स की वीकनेस है, आप जो है फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप ऑफ मसल्स हैं वो पैरालाइज हैं, सो आपको अगर डिटेक्ट करना है कि ये वाकई पैरालाइज है या मरीज, कुछ लोग होते हैं जानबूझ के पैरालिसिस का एक्टिंग करते हैं, सो जब आप उसका EMG करेंगे आपको पता चल जाएगा ये मसल तो बिल्कुल एक्टिव है, इसके अंदर तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस सही जा रही हैं, सो दिस इज हाउ। अच्छा, कंट्रा इंडिकेशंस क्या है? EMG जो है सीवियर ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जिसमें कि एंटीकोगुलेशन थेरेपी आप, क्योंकि नीडल डालनी होती है, सो वो आप जो है यूजुअली यू अवॉइड दैट EMG और आप उसको नहीं करते, ठीक है। नर्व कंडक्शन स्टडीज के लिए अगर किसी पेशेंट को कार्डियक डिफिब्रिलेटर इम्प्लांट है, क्योंकि आपको पता है कि ये नर्व कंडक्शन स्टडीज में आप पेशेंट को माइनर सा उसका जो है वो करंट आप इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं और वो करंट फिर इंटरप्ले करता है नर्व के करंट के साथ और फिर वो एक डायग्राम प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे पेशेंट जिनमें के कार्डियक डिफिब्रिलेटर्स लगे हुए हों, कार्डिक डिफिब्रिलेटर्स ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें के जिनमें फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को वेंट्रिकुलर फ्लटर होता है या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होती है या और बहुत सीरियस किस्म के कार्डिक अरिथमियाज होते हैं, सो आप हार्ट के अंदर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो है वो इम्प्लांट कर देते हैं एक वायर के ज़रिए जो हार्ट के अंदर जारी होती है, जब भी कभी वो इस तरह की एबनॉर्मल वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होती है तो वो उसको ख़त्म करता है। सो ऐसे पेशेंट में NCS जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। कॉम्प्लिकेशंस, इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, आप किसी और हिस्से में घुस सकते हैं जब आप नीडल डाल रहे हो। कंट्रोवर्शियल, इसकी जो साइड इफेक्ट्स हैं वो इट कैन कॉज डिसकंफर्ट और एक्सपेंसिव टेस्ट होते हैं ये, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ CNS इज पेट स्कैन, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, ठीक है। पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन ये आपने सुना होगा, सो पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी जो है बेसिकली ये न्यूक्लियर मेडिसिन का टेस्ट है। आपको पता है न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियर मेडिसिन में आप आइसोटोप्स यूज करते हैं और डिफरेंट न्यूक्लियर सब्सटेंसेस जो हैं वो यूज़ करते हैं। सो न्यूक्लियर मेडिसिन का ये टेस्ट है और इसमें आपने यू मेजर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। अभी तक हमने जो भी टेस्ट डिस्कस किए हैं उसमें आप या स्ट्रक्चर या उसका जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो डिटेक्ट कर रहे होते हैं या स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं। पेट स्कैन जो है बेसिकली ये आपको बताता है कि इसके अंदर, इस बॉडी के इस पार्ट के अंदर कैसा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कि हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट में है ये पार्ट या हाइपो मेटाबॉलिक। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट है उसका एक ब्रेन ट्यूमर है, ठीक है, तो उस एरिया का जो मेटाबॉलिज्म है एज कंपेयर टू दी सराउंडिंग एरिया वो बहुत ज़्यादा होगा। सो आप CT स्कैन से या MRI से वो आप पता नहीं चल सकता आपको, ठीक है ना, तो आप उसको उसका पेट स्कैन करते हैं या पॉजिटिव एमिशन स्कैन करते हैं। इसी तरह दूसरी एक इन्वेस्टिगेशन है जिसे कि आर्टेरियोग्राम कहते हैं या एंजियोग्राफी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आर्टरीज और वेन जो हैं उनके ब्लॉकेज को आप डिटेक्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द एक्सरे।
ये आप देखें कि ये पैट स्कैन है एंड इट एग्जामिन दी ब्रेन फंक्शंस एंड केमिकल एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पर देखें आपको जो रेड एरियाज हैं ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, ठीक है, इसी तरह ब्लू एरियाज जो हैं वो कम एक्टिव हैं, येलो वाले जो हैं वेरी लेस एक्टिव। तो डिपेंड करता है अगर आप पेशेंट का जिस वक्त उसकी विजुअल आप उसको जो है वो कोई चीज़ दिखा रहे हैं तो उसका विजुअल कॉर्टेक्स जो है वो रेड हो जाएगा, सही है। सो नॉर्मली नॉर्मल पैटर्न से अगर डिफरेंट होगा सो वो फिर बता देगा कि जी ये पैट स्कैन जो है एबनॉर्मल है। ये एमआरआई है, एमआरआई में देखें सीटी स्कैन में आपको इस पार्ट में इस तरीके से नज़र आ रहा है। एमआरआई में आप देखें ऊपर से ही आपको स्कल है, यहाँ पर बड़ी डिटेल्स नज़र आ रही हैं, ये आपके पैरानेसल साइनसेस हैं, ये नोज है, ये आपका ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है, ये सेरिबेलम है, ये सेरिब्रम है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये वर्टिब्रीज है, ये तो ये सारी डिटेल्स आपको एमआरआई में जो है वो नज़र आएंगी, ठीक है ना, जबकि सीटी स्कैन में आपको एक ग्रॉस सी चीज़ नज़र आ जाएगी। तो दीज आर दी थ्री इमेजेस ऑफ द ब्रेन, सीटी स्कैन, एमआरआई एंड पेट स्कैन। अच्छा, अब हमने एंजियोग्राफी की या आर्टीरियल ग्राफी की बात की है, आपको पता है कि जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई है वो कहाँ कहाँ से होती है, एओर्टिक आर्च से अगर आप स्टार्ट करें सो आपकी लेफ्ट सबक्लेवियन वेन जो है वो होती है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड होती है और ब्रेकियोकेफेलिक आर्टरी, ये तीन आर्टरीज जो हैं ये एओर्टिक आर्च से निकलती है, ठीक है ना। इसी तरह ब्रेकियोकेफेलिक या इननॉमिनेट आर्टरी जो है ये फर्दर आपकी राइट कॉमन कैरोटिड और राइट सबक्लेवियन, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ द ब्रेन इज सप्लाइड। सो एंजियोग्राफी में या आर्टेरियोग्राफी में क्या होता है कि अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि किसी भी आर्टरी के अंदर कोई नैरोइंग है, फॉर एग्जांपल कॉमनेस्ट कॉज क्या होती है कि आपको पता है कि एज यू ग्रो ओल्ड आपका जो आपकी जो आर्टरीज हैं उसके अंदर एक लिपिड लाइक सब्सटेंस जमा होना शुरू होता है, हो जाता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड एज, जी एनीवन, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड एज, एनीवन, आर्टरीज के अंदर विद द एज एथरोस्क्लेरोसिस होता है, सही है। तो एथरोस्क्लेरोसिस जो है उसमें क्या होता है कि जो आर्टरी है फॉर एग्जांपल वो अगर इतनी मोटी थी या उसका ल्यूमन इतना बड़ा था तो जैसे जैसे उसके अंदर जो है वो लिपिड जमा होना शुरू होंगे तो उसकी नैरोइंग होती जाएगी, सही है। सो इस चीज़ को देखने के लिए आप एंजियोग्राफी यूज़ करते हैं। एक्चुअली आपने देखना होता है कि उस आर्टरी की ल्यूमन जो है वो कैसी है, मतलब ल्यूमन खुली हुई है, बंद है, कितने परसेंट ब्लॉकेज है। सो ये आप ब्रेन की एंजियोग्राफी के जरिए ये काम करते हैं। अच्छा, ये आप अगर इसको देखें तो सर्कल ऑफ विलिस का आपको पता है कि सॉरी ये थोड़ी सी छोटी डायग्राम है, तो यहाँ से ये जो है कैरोटिड आर्टरीज हैं, ये सब ये आगे से कॉमन कैरोटिड राइट लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरीज हैं, ये और वर्टिब्रल आर्टरीज, ये मिलके एक सर्कल ऑफ विलस है बनाती हैं जो कि पूरे ब्रेन को सप्लाई देता है। सो एक्चुअली आपको इन सारी आर्टरीज को जैसे कि एंजियोग्राफी में आपको ये आर्टरी नज़र आती हैं और अगर इनमें किसी जगह भी कोई ब्लॉकेज है या कोई क्लॉट है तो वो या कोई मेल फॉर्मेशन है वो आपको नज़र आ जाएगी। सो दिस इज़ हाउ you perform the angiography. Next, a very important and very commonly used investigations in the CNS is lumbar puncture या spinal tap जिसे कहते हैं। इसमें एक special needle होती है which is placed in the lower back into the spinal canal. Spinal canal क्या होती है कि आपका जो CSF होता है वो flow कर रहा होता है inside the inside your brain meninges, ठीक है, और
यहाँ पर आप एक नीडल डालते हैं जस्ट टू टैप दैट पॉइंट, और आप CSF जो है उसको आप निकाल लेते हैं बॉडी से बाहर, ठीक है, थोड़ा सा माइन्यूट सी क्वांटिटी, और फिर आप उसको चेक करते हैं। जैसे कि आप किसी पेशेंट का स्पूटम चेक करते हैं तो आपको पता चल जाता है उसके लंग्स के अंदर क्या हो रहा है, कि कोई इन्फेक्शन है, कोई निमोनिया है, कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई एलर्जिक सेल्स है। इसी तरह जब आप CSF को निकाल के और एग्जामिन करते हैं तो आपको बहुत सारी जो कंडीशंस हैं वो पता चल जाती हैं कि ये ब्रेन के अंदर या CNS के अंदर ये चेंजेस आ रही है। और CSF आपको पता है इज अ फ्लूइड दैट बैथ्स द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द ये फ्लूइड मौजूद होता है, और इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। एक तो ये न्यूट्रिशन भी देता है मेनिंजीज को, और इसके अलावा ये कुशन इफेक्ट, आपके सर पे चोट एकदम से लगी है लेकिन आपकी जो है वो ब्रेन को डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि ब्रेन जो है वो सस्पेंडेड है इनसाइड दी फ्लूइड मीडियम CSF। ये आप देखें, ये टेक्निक है, ये प्रोसीजर है। ये पेशेंट जो है इधर इज लाइंग, और ये उसका यहाँ पर वर्टिब्रीज होते हैं। ये आप अपनी फिंगर से ऐसे ऐसे उनको टैप करके देखते हैं, और L4 और L5, नंबर 4 और नंबर 5, ये आपका इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन है। इसके बिल्कुल स्ट्रेट जो है, जो स्पेस आती है, इट इज़ बिटवीन दी L4। सो इसके एक स्पेस नीचे आप टैप करते हैं L4 और L5 के दौरान। ऊपर क्यों नहीं कर लेते हैं आप, एनीवन यहाँ पर हम टैप क्यों नहीं करते हैं? थोरैसिक एरिया में या सर्वाइकल में हम, वहाँ भी CSF होता है, तो वहाँ पर हम टैप क्यों नहीं करते हैं? जी, एनी आंसर, एनी ब्राइट आंसर? लंबर पंक्चर हम L4-5 से नीचे क्यों करते हैं? एनी गेस? तुक्का मार दो यार कोई। स्पाइनल कॉर्ड क्या मतलब? स्पाइनल कॉर्ड क्या कहना चाह रहे हैं? स्पाइनल कॉर्ड निमोथोरेक्स, ये निम्रा के लिए सब लोग क्लैपिंग करें जरा। आई थिंक शी डिजर्व अ नोबेल प्राइज ऑन दिस डिस्कवरी। भाई निमोथोरेक्स जो है वो चेस्ट के अंदर अगर आप डालते हैं और आप लंग को रप्चर करते हैं तो फिर जो है ना वो आप निमोथोरेक्स करते हैं। ये तो आप जा रहे हैं स्पाइनल केनाल के अंदर, आपको इसका मतलब एनाटॉमी का नहीं पता। स्पाइनल केनाल के अंदर जो है वो उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो ये उमर ने जो कहा है इसका आंसर ठीक है, लेकिन क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड? करेक्ट आंसर किसी को पता है? एनीवन? असल में स्पाइनल कॉर्ड जो है वो L4 और L5 पे आके खत्म हो जाती है, नर्व्स ओरिजिनेटिंग। चलें, बहरहाल मैं बता देता हूँ। इसमें ये होता है कि इस लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड जो है आपका इधर ब्रेन के नीचे फिर कंटिन्यूएशन जो होती है वो लैंडमार्क, हाँ ठीक है, लेकिन रीजन मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, सो यहाँ पर पूरे का पूरा स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है, 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 इधर आके स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाता है और जो उससे नर्व्स ओरिजिनेट करती हैं वो इधर ट्रेवल कर रही होती हैं, इससे नीचे नीचे वो नर्व्स, फॉर एग्जांपल L4 या L5 नर्व जो है उसने जाके लेग को स्पाई करना है। अब वो यहाँ से ओरिजिन हुआ उसका, इधर से वो गुजरेगी और लेग के अंदर जाएगी थ्रू द शैटिक नर्व। तो यहाँ पर इस एरिया में स्पाइनल कॉर्ड एक पूरी स्ट्रक्चर नहीं होता बल्कि उसकी नर्व्स होती हैं, और जैसे आप नीडल अंदर डालते हैं तो चांसेस ये होते हैं कि जब आपने नीडल अंदर डाली है तो वो नर्व जो है, फॉर एग्जांपल आप ये समझें मेरी उंगली जो है ये नर्व्स है, फर्ज करें सबसे पहले ये स्पाइनल कॉर्ड है, मेरा हाथ जो है ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो जब आपने नीडल डाली तो क्या हुआ, नीचे स्पाइनल कॉर्ड पड़ा हुआ है, आपने डेफिनेटली डैमेज करना है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना? तो L4-5 से ऊपर ये वाली सिचुएशन होती है जो मैं दिखा रहा हूँ, L4-5 के नीचे ये वाली स्टेशन होती है, ठीक है? ये जो है, ये अगर मैं दिखा सकूं, ये डिफरेंट नर्व्स हैं जो ऊपर से नीचे आ रही हैं, और इसे क्या कहते हैं, घोड़े की दुम होती है, तो इसका नाम क्या होता है? जी,
स्पाइनल कॉर्ड के नीचे जो एक नर्व्स का गुच्छा बन जाता है, इसे क्या कहते हैं? एनीवन? चले, कॉर्डा इक्वाइना कहते हैं इसको, कॉर्डा इक्वाइना, इक्वाइन कहते हैं घोड़े को। सो घोड़े की दुम, यानी कि उसके जो बाल होते हैं वो समझिए नर्व्स हैं। अब जैसे ही आपने नीडल डाली, ये आप देखें, आपने नीडल डाली है, ये दो नर्व्स के दौरान में स्पेस है। तो अब आपने जब नीडल अंदर डाली है तो ये जो नर्व्स हैं इसके दौरान में स्पेस है, वहां पर नीडल अंदर गई है और ये नर्व्स आगे पीछे हो गई हैं, खुद ही हिल आगे पीछे हो गई। तो आपने नर्व को डैमेज नहीं किया, बल्कि आपने नीडल जो है वो डाल के और ये जो ब्लैक ब्लैक जगह है यहाँ पर CSF था, ये आपने निकाल लिया। सो दैट इज वाई वी परफॉर्म दिस एट द लेवल ऑफ, जस्ट बिलो द लेवल ऑफ L4-5। ठीक हो गया, समझ आ गई अभी आप लोगों को? सो ये स्पाइनल नीडल है और ये आपने स्पाइनल केनाल के अंदर डाली है और यहाँ पर ये ब्लू वाला CSF है। यहाँ पर कहीं हमें लंग दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है निमरा? सो इसलिए निमोथोरेक्स के कोई चांसेस नहीं है। हाँ ये है कि अगर आपने कोई बहुत ही बड़ी जो है ना नीडल हाथ में पकड़ ली है और आपने जनाब वो उसका स्पाइनल कॉर्ड को तोड़ के और अंदर बहुत ही ज़्यादा कोई लंबी नीडल है और आप लंग्स को पेनिट्रेट कर गए हैं, या अगर आपने सही तरीके से उसको पेनिट्रेट नहीं किया और आप स्पाइनल केनाल की जगह इंटरकॉस्टल स्पेस में घुस गए हैं, फिर आप निमोथोरेक्स कर सकते हैं। सही है? सो दिस इज दी CSF। अच्छा, अब इस CSF को एग्जामिन करना होता है। जब हम इसको भेजते हैं वहाँ पर लेबॉरेटरी में, सो वो बहुत सारे टेस्ट करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले तो आप जब CSF की नीडल अंदर ही होती है तो आप उसका प्रेशर मेजर करते हैं। प्रेशर कैसे मेजर करते हैं कि यहाँ पर ये देखें, ये आपने नीडल अंदर डाली हुई है और ये अंदर से हॉलो नीडल होती है, सो CSF इधर से फ्लो करता है। यहाँ पर अगर आप कोई ऐसी चीज़ लगा दें जो कि मैनोमीटर टाइप होती है, जो कि प्रेशर मेजर करेगी, सो आप CSF का प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना? सो दिस इज़ हाउ यू टेक। सो प्रेशर जो है सेंटीमीटर ऑफ वाटर में लेते हैं, नॉर्मल 5-20 होता है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ब्रेन की, अब हम मेनिनजाइटिस पे आ गए हैं, ठीक है, जो कि ब्रेन की इन्फेक्शन होती है मेनिंजीज की। सो बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस हो सकता है, वायरल मेनिनजाइटिस होता है, या TB या फंगल मेनिनजाइटिस। सो इसमें जो प्रेशर है वो 30 से ज़्यादा होता है बैक्टीरियल में, जबकि वायरल में या तो नॉर्मल होगा या फिर स्लाइटली इंक्रीज होगा, कोई 21, 22, 23 होगा, ठीक है बैक्टीरियल। इस तरह अपीयरेंस जो है फ्लूड की नॉर्मल जो है वो स्ट्रॉ कलर का, ये सॉरी क्लियर, बिल्कुल क्लियर वाटर की तरह या ट्रांसपेरेंट जो है वो इसकी अपीयरेंस होती है, जबकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में टर्बिड हो जाता है, जैसे कि धुंधला गंदला सा हो जाता है, ठीक है ना? और वायरल में भी क्लियर होता है, जबकि TB में फिब्रिन वेब्स बनते हैं, इसके छोटे छोटे से धागे बन जाते हैं। प्रोटीन ग्राम्स पर लीटर 0.18 टू 0.45 ग्राम्स पर लीटर नॉर्मल CSF प्रोटीन है। तो अगर ये डबल से भी ज्यादा 1 ग्राम से ज्यादा हो जाए, इसका मतलब है कि बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस है। अगर 1 ग्राम से कम है लेकिन 0.45 से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि या वायरल है या फिर फंगल या TB है। ग्लूकोज हाँ, ये इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपने नंबर जो CSF है, नॉर्मली आप 10-15 ml तक जो है ना वो आप जो है वो निकालते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें कि थेरेप्यूटिकली आप CSF या लंबर पंक्चर करते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर हाई हुआ हुआ है सो आप ज़्यादा क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं ताकि प्रेशर कम हो जाए। उसको हाइड्रोकेफेलस वाले जो पेशेंट है ना, उनमें आप ये कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 10-15 ml जो है वो आप फ्लूइड निकाल सकते हैं। ग्लूकोज का कंटेंट चेक करते हैं, 2.5-3.5 नॉर्मली CSF में होता है, लेकिन अगर ग्लूकोज कम है, बहुत कम है, लेस देन 2.5, इसका मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि बैक्टीरिया ग्लूकोज खाते हैं, ये याद रखें। सो ग्लूकोज बहुत कम हो जाएगा,
प्रोटीन छोड़ते हैं और ग्लूकोज खाते हैं, तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में प्रोटीन बढ़ जाएगी, ग्लूकोज कम हो जाएगा, सही है। इसी तरह वायरल में ग्लूकोज नॉर्मल होता है, जबकि फंगल और टीबी में 1.6 to 2.5 होता है, लेकिन बहुत लो अगर हो तो वो बैक्टीरियल में होता है। ग्राम स्टेन पे नॉर्मली कुछ भी नहीं होता, 60 to 9% ग्राम स्टेन पॉजिटिव होता है बैक्टीरियल में, जबकि वायरल में नॉर्मल होता है ये। फिर WBC काउंट जो है, नॉर्मली 3 से ज़्यादा सेल नज़र नहीं आते हैं, बैक्टीरियल में 500 से ज़्यादा सेल होते हैं और वायरल में 1000 से कम होते हैं, इसमें 10,000 भी हो सकता है 500 से ज़्यादा, लेकिन 1000 से ज़्यादा सेल नहीं होते वायरल में, और 100 to 500 जो हैं वो फंगल या टीबी में होते हैं। सो सबसे ज़्यादा जो WBC काउंट है CSF की, वो बैक्टीरियल में होती है, ठीक है। इसी तरह बैक्टीरियल में पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर 90% होंगे, वायरल में मोनोसाइट्स हो सकते हैं और टीबी में भी मोनोसाइट। तो दिस इज हाउ यू टेक द हेल्प ऑफ CSF या लंबर पंक्चर की आप हेल्प। अब विजुअल इवोक पोटेंशियल्स क्या होते हैं, मैं जल्दी जल्दी अब आपको बता देता हूँ। आप अपनी माइलोग्राम और विजुअल इवोक पोटेंशियल्स, ये वो चीज़ें हैं जो कि आप पेशेंट को कोई चीज़ दिखाते हैं जाके, ठीक है। ये आप देखें, ये विजुअल इवोक पोटेंशियल्स चेक हो रहा है कि आप पेशेंट के सामने कोई चीज़ रखते हैं, ये टीवी चल रहा है, ये पेशेंट बैठा हुआ है और ये उसकी लीड्स जो है कनेक्टेड हैं एक मशीन के ज़रिए, यहाँ पर जो है वो वेव्स बन रही हैं। सो आप देखते हैं कि विजुअल दिखाने से इवोक का मतलब होता है किसी को प्रोवोक करना, सो पोटेंशियल्स का मतलब होता है कि वेव्स। सो ये वेव्स आप देखते हैं कि जनरेट हो रही हैं या नहीं हो रही। यूजुअली ये आपकी जो डिजीज़ है जिसको कि हम कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उसमें ये चेक होता है ऑप्टिक नर्व के ऊपर। इसी तरह ऑडिटरी इवोक पोटेंशियल है, किसी भी इनको आवाज़ सुनाते हैं और फिर सुनते हैं कि वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं या नहीं हो रही, ठीक है ना। दीज आर द विजुअल इवोक पोटेंशियल। फिर दूसरा टेस्ट ये होता है कि आप जैसे कि CSF निकालते हैं, इसी तरह आप एक कंट्रास्ट मीडियम जो है वो इंजेक्ट कर देते हैं CSF में और फिर पेशेंट का एक्सरे लेते हैं और ये आप देख रहे हैं, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है और ये स्पाइनल कॉर्ड की आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, सही है। तो यहाँ पर अगर किसी जगह पर डिस्क, ये इनके दरमियान में डिस्क होती है, अगर डिस्क हर्निएशन वगैरह हो रही हो तो वो आप देख सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ द माइलोग्राम। अच्छा, न्यूरोसोनोग्राफी क्या होती है? इट्स अ प्रोसीजर विच यूजेस द अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स। आप पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करते हैं सॉरी इस तरह आप पेशेंट के अल्ट्रासाउंड के ज़रिए आप देख सकते हैं कि अंदर क्या हो रहा है, ठीक है ना। और ये यूजुअली आप बच्चों में करते हैं जिनकी के स्कल जो है वो बहुत सॉफ्ट होती है और उसके अंदर आप उसके वेंट्रिकल्स, उसका स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, हेमरेज, पेरेंकाइमल एब्नॉर्मैलिटीज, प्रीटर्म और टर्म इन्फेंट्स में हाइड्रोकेफेलस, वेस्कुलर मेलफॉर्मेशन, कंजेनिटल एनोमलीज, इस तरह CNS के डिसऑर्डर्स, इसके साइन सिम्टम्स, ठीक है, कंजेनिटल और एक्वायर्ड ब्रेन इन्फेक्शन, ट्रामा, ये आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। सो ये दिस इज़ अ अल्ट्रासाउंड जो आप देखें, आप कर रहे हैं तो आपको ये डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं, यू वॉन्ट बी एबल टू अप्रिशिएट इट, नॉट अ वेरी गुड स्लाइड। सो दैट वॉज ऑल एंड आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आया होगा। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो प्लीज लेट मी नो। कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन जी, एनीथिंग विच यू हैव नॉट अंडरस्टूड? सब समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चलें, इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।